मसीह की मोहब्बत में मसीही टीवी देखने वाले तमाम बहन भाइयों को बहुत बहुत सलाम। प्यारे अजीजों, मैं हूँ मोनिका फिलिप और आज फिर इस प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ, जिसमें हम बाइबल के मुतालिक जो हैं वो रोज़ बरोज़ जानते हैं कि किस तरह से किताबें जो कलाम मुकद्दस की हैं उनके अंदर क्या क्या बात की जा रही है। हमने पिछले एपिसोड्स के अंदर पैदाइश और खरूज की किताब में बात की थी, अब हम बात करेंगे अहबार के बारे में और देखेंगे कि अहबार की किताब जो है वो क्यों ज़रूरी है, क्या क्या उसके अंदर ऐसी बातें हैं जो हमारे लिए सीखने के लिए ज़रूरी हैं। तो अगर हम बात करें तो ये किताब भी, तीसरी किताब जो कि शरीयत की किताब है, इसको भी मूसा ने ही लिखा और हमें लूका की इंजील में और मुकद्दस यूहन्ना की इंजील में इसकी शहादत मिलती है कि मूसा ने खुदावंद की रहनुमाई में रह कर इन किताबों को लिखा था, जिनको हम शरीयत की किताब कहते हैं। और लोकेशन की अगर बात की जाए तो ये तीसरी किताब है, पैदाइश, खुरूज और अहबार। उसके बाद हम बात करते हैं कि अहबार की किताब के अंदर हम खुदा का और इंसान का रابطہ देखेंगे, और अगर इंग्लिश ज़ुबान में एक वर्ड है जिसको कहते हैं एंटोनमेंट, तो उसका जो लफ्ज़ी मतलब है वो ये है कि खुदावंद के साथ दोस्ती। और ये तब हो सकती है जब हम अपने गुनाहों का इकरार करें और गुनाहों से मुआफ़ी को हासिल करें। और इस किताब के अंदर, इंग्लिश में इसको लिविस्टिक भी कहा जाता है, जिसका ये मतलब है कि ये लावी के कबीले में से खुदावंद ने जो है वो ख़ास काहिनों को चुना था, प्रीस्ट को चुना था, जो कि इस खिदमत को सरंजाम दे सकते थे। अगर हम थॉरली तमाम ट्राइब्स के बारे में जिक्र करें तो उसमें हमें लावी के कबीले में पता चलता है कि खुदा ने इस कबीले को चुना कि इनमें से ही काहिन जो है वो निकलेंगे, और काहिन का बड़ा ही ख़ास रोल हम देखते हैं कि वो कुर्बानी के लिए कुर्बानी को पेश करते थे, और फिर वो खैमा इज्तमा में यानी कि टैबरनेकल में किस तरह से वो खुदावंद के हुजूर जाते थे, स्पेशल उनका कॉस्ट्यूम होता था, ड्रेस होता था, सारी चीज़ें हमें जो हैं वो इस किताब के अंदर, तीसरी किताब के अंदर मिलती हैं। अब खास लोगों के बारे में जो बात की जाएगी तो हम देखेंगे कि पहले बात हम करेंगे प्रीस्ट के बारे में, यानी कि काहिनों के बारे में बात करेंगे, और हम उन ऑफरिंग्स के बारे में बात करेंगे, उन सेक्रीफाइस या कुर्बानियों के बारे में बात करेंगे, जो हमें पता चलेगा कि किस किस तरह से लोग जो थे वो खुदावंद के हुजूर कुर्बानी को गुजरानते थे और किस किस बात की कुर्बानी होती थी। तो सब कुछ हम जानेंगे आज इस किताब में, जो कि तीसरी किताब है और ये है अहबार की किताब। जी, तो इससे पहले कि हम चैप्टर टू चैप्टर इस पर डिस्कशन करें, आउटलाइन जो है इसके बारे में ये है, पांच चीज़ों का अपने प्यारे अज़ीज़ों ख्याल रखना है। पहली बात हम देखेंगे सेक्रीफाइस और सेपरेशन, एक कुर्बानी और किस तरह से हमारी जो जुदाई है उसके बारे में बात है। अगर हम पहले अबवाब से सातवें में देखें, छठे और सातवें तक, तो हमें पता चलता है कि कुर्बानियाँ किस किस तरह की हैं और कुर्बानियाँ जो हैं वो गुजरानने से हम किस तरह से अनहोली लोग, गुनाहगार लोग, या वो लोग जो पाक साफ नहीं हैं, खुदावंद से दूर हैं, वो किस तरह से खुदावंद के पास आ सकते हैं। लाइक अनहोली, हाउ द अनहोली कम टू अ होली गॉड, यानी कि एक गुनाहगार शख्स किस तरह से पाक साफ जिंदा खुदावंद के पास आ सकता है, तो हम ये देखेंगे, इसमें कुर्बानियों के बारे में हम जानेंगे। उसके बाद हम देखते हैं दूसरी बात, और वो ये प्रीस्ट के बारे में, ख़ास तौर पर काहिनों के बारे में बताया जाएगा कि किस तरह से वो कुर्बानियों को पेश करते थे और किस तरह से वो दुआएं और कुर्बानियां जो है वो खुदावंद के हुजूर लेके जाते थे, तमाम लोगों की, जो जो भी जिस जिसने जिस जिस बात के लिए कुर्बानी पेश करनी होती थी, तो हम ये भी जानेंगे। उसके बाद रोज़मर्रा की ज़िंदगी के कानून जो है, इसमें किस तरह से कवानीन पेश किए गए, क्योंकि हम देखते हैं मूसा ने जो है वो 10 अहकाम थे, सो जो वो पेश किए गए उस उन अहकाम के बाद फिर किस तरह से डेली लिविंग स्टाइल इसके अंदर एड इन होता जाता है कि एक का तब उस ज़माने में खुदावंद ने जो कानून पेश किए थे, तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में। उसके बाद जो है द डे ऑफ एंटोनमेंट, जो मैंने बताया कि खुदावंद से राब्ते का दिन या दोस्ती का दिन या मुलाकात का दिन, ये भी हम जानेंगे। और एंड पर हम ख़ास जो है वो
त्योहारों के बारे में जानेंगे या फीस्ट के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सी ईद मनाई जाती थी, ठीक है। सो ये सब चीज़ें आज हम जानेंगे इस किताब में। सो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू नो। फॉर दैट यू हैव टू कीप वॉचिंग। जी प्यारे अजीजों, तो शुरू करते हैं। सो पहले बाब से लेकर तकरीबन सातवें बाब तक हम देखते हैं कि इसमें बात की जाती है मुख्तलिफ कुर्बानियों के बारे में, क्योंकि ख़ास तौर पर कहा गया था कि कुर्बानी जो है वो पेश करनी है। कुर्बानी पेश करना ही असल में ये शो करता था कि यस, हम माफ़ी मांगते हैं अपने गुनाहों से, या हम इकरार करते हैं, या शुक्रगुजारी पेश करते हैं। समटाइम्स इट्स नॉट अबाउट सिन, इट्स जस्ट प्रेजिंग द लॉर्ड। तो जब प्रेज करना है तब भी कुर्बानी गुजरानते थे। जब हम देखें तो जब नूह के दौर में बारिश थमी और वो रुके, तो फिर नूह ने और उसके बेटों ने भी कुर्बानी गुजरानी खुदावंद के हजूर। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि शुक्रगुजारी की कुर्बानी भी होती थी। और फिर बहुत सारे जो थे वो लॉज इसमें रिक्वायर थे कि किस तरह से लोगों ने खुदावंद के हजूर कुर्बानी को पेश करना है। सो इसमें जानवर की कुर्बानी थी, पहले फल की कुर्बानी थी, आप किसी भी ऐसी अच्छी चीज़ की कुर्बानी खुदावंद के हजूर पेश कर सकते थे। सो जो गुनाह की कुर्बानी थी या माफ़ी की कुर्बानी थी वो फ़र्क थी, उसके लिए आपको जो है वो जानवर वगैरह कुर्बान करने पड़ते थे। तो मुख्तलिफ़ आइटम्स को जो है, मुख्तलिफ़ चीज़ों को वो ऑल्टर पे पेश किया जाता था। ये भी हम अभी जानेंगे कि कौन कौन सी जो थी वो ऑफरिंग्स खुदावंद के लिए पेश की जाती थी, या कुर्बानियाँ या नजराने खुदावंद के हजूर पेश किए जाते थे। सो डिफरेंट सेक्रीफाइस रिक्वायर्ड थे, और ये सारे सेक्रीफाइस जो है हम देखते हैं। अगर आप थॉरली पढ़ना चाहते हैं तो प्यारे अज़ीज़ों, यू हैव टू लुक इन टू द बाइबल। सो बाइबल ने आपको इसका वाजह तौर पर जो है वो जवाब मिल जाता है कि किस किस तरह की कुर्बानियाँ थी और गुजराना ज़रूरी थी। उसके बाद हम देखते हैं आठवें बाब से लेकर दसवें बाब तक। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। जो आप जानना चाहेंगे कि उस वक्त में जब शरीयत नाजिल हुई थी तो बहुत रिस्ट्रिक्शन थी। आज तो हम फजल के दौर में हैं, हम खुदावंद के हजूर कभी भी कहीं भी बैठ सकते हैं, लेकिन तब ऐसा नहीं था। तब बहुत ही ख़ास कानून थे और उनको लागू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। आपको पता है कि जब प्रीस्ट जो था या काहिन जो था वो खैमा इज्तिमा में, टैबरनेकल में जाता था, तो उसके लिए उसको बहुत ज़्यादा तैयारी दरकार होती थी, और उसके लिए उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली ऑर्डर्स दिए जाते थे। हर कोई ये नहीं कह सकता था कि मैं लावी के कबीले से तो मैं जाके सेक्रीफाइस कर दूँ। नो, आपको एक प्रॉपर ड्रेसअप होना पड़ता था, वक्त खुदावंद के साथ गुजारना पड़ता था, और फिर ये सब करने के बाद आप उस खैमा इज्तिमा में जा सकते थे और कुर्बानी जो खुदावंद के हुजूर पेश करनी थी वो पेश कर सकते थे। और ये सिर्फ काहिन ही कर सकते थे। जी प्यारे साथियों, तो उसके बाद 11वें बाब से लेके हम देखते हैं 22वें बाब में बहुत ही ख़ास बात है, और वो ये कि इसमें बताया गया कि किस तरह से हमें पाक साफ ज़िंदगी गुजारनी है खुदावंद के लिए। इसराइलियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि उनको एक ख़ास तरीक़ेकार बताया जाता कि उन्होंने अपने आप को किस तरह से दूसरी कौमों से मुख्तलिफ रखना है। फॉर दैट उनको ख़ास ऑर्डर्स जो थे वो दिए गए शरीयत में हम देखते हैं। और उसमें ये इन अबवाब में हमें पता चलता है कि उनको खाना क्या था और अच्छी हेल्थ कितनी ज़रूरी थी उनके लिए, किस तरह की डेली रूटीन उनके लिए रिक्वायर्ड थी, उन्होंने किस तरह से रहन सहन करना था, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इसके साथ साथ स्टैंडर्ड्स ऑफ हाइजीन, हाइजीनिक पैटर्न भी हमें नज़र आते हैं कि अगर कोई बीमार है तो उसे किस तरह से ट्रीट करना है, कोई वैसे अनक्लीन है तो उसने किस तरह से अपने आप को ठीक करना है, या अगर कोई बीमार है, तो ये सब चीज़ें काफ़ी वाज़ह तौर पर बताई गई हैं। और इस हिस्से में आपको पता चलता है कि बहुत ज़्यादा खुदावंद जो है ना वो सफाई पसंद भी है। सो अपने आप को साफ़ सुथरा भी रखना ज़रूरी है, ना सिर्फ ज़ाहरी तौर पर बट अंदर के लिए सफाई भी ज़रूरी है। हमारा सोचना, बोलना, चालना, एक दूसरे के लिए हमारे जज्बात, एक दूसरे के लिए हमारी गुफ्तगू, दैट हैज़ टू बी होली टू, राइट। सो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें 11वें बाब से मिलती हैं 22वें बाब में। 23वें बाब से और 25वें बाब में हमें नज़र आता है ख़ास त्योहारों के बारे में, फीस्ट के बारे में, और छुट्टियों के बारे में, हॉलीडेज़ के बारे में। जैसे हम देखते हैं कि ईद फसा की ईद भी हमें बहुत ज़्यादा नज़र आती है
नेयरनामा के अंदर वो सारी जो ईदें थी उनके बारे में बताया गया है। इसको पढ़ें, इसको ज़रूर आप समझें ताकि आपको पता चले कि कौन सी ईद जो थी वो स्पेसिफिकली किस चीज़ के लिए मनाई जाती थी। फसल की ईद है या किस तरह से जो है अपने पहले फ्रूट की ईद, ये सारी ईदों के बारे में बताया गया है 23 से 25 बाब में। अब एंड की तरफ हम आ रहे हैं तो हम देखेंगे 26 से 27 बाब में गलतियों के बारे में बताया गया है, आपके अच्छे कामों के बारे में बताया गया और फिर उनके रिवॉर्ड्स के बारे में। अच्छा काम करेंगे तो इनाम मिलेगा, गलती करेंगे तो पनिशमेंट मिलेगी, सजा मिलेगी। ये सब चीज़ें भी जो हैं हमें अहबार की किताब में मिलती है। तो अहबार की किताब प्यारे अज़ीज़ों पढ़ना या इसको समझना देखना बेहद ज़रूरी है। इसमें हमें पता चलता है कि किस तरह का लाइफ स्टैंडर्ड या लाइफ पैटर्न हमें खुदावन ने अता किया। अगली वीडियो में हम करेंगे कंपैरिजन यीशु मसीह और पुराने अहदनामा और नए अहदनामे के बारे में, यानी कि किस तरह से यीशु मसीह का रिफ्लेक्शन हमें पुराने अहदनामे में नज़र आता था, ये हम जानेंगे अगली वीडियो में। टिल देन मैं आपसे यही दरख्वास्त करूँगी कि ज़रूर वीडियोस को देखा करें और शेयर भी किया करें, और इसके साथ साथ शेयर ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कलाम को बिलाना ना पढ़ें, क्योंकि कलाम को जितना पढ़ेंगे उतना ही आपको समझ आएगा, उतना ही आप उसको अपने दिल में बसा सकेंगे। तो मुझे मोनिका फिलिप को दें इजाज़त, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। टिल देन गॉड ब्लेस यू एंड कीप वॉचिंग मसीही टेलीविजन।